भाई लोग आज बात करते हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ के बारे में। आज का मंडे नाइट रॉ काफी अच्छा देखने को मिला। आज का मंडे नाइट रॉ गो होम एडिशन था सर्वाइवर सीरीज के पहले। तो सबसे पहले आज के मंडे नाइट रॉ में अपने प्राइज फाइटर केबी रोवन शुरुआत करते आते हैं रिंग में, और वो बोलते हैं उन्हें इन्विटेशन मिला था स्मैकडाउन में आने के लिए, वो आए थे स्मैकडाउन में। अब वो आज मंडे नाइट रॉ में आए अपनी दिल की भड़ास और बातें बताने के लिए, और वो बोलते हैं रोमन रिंग जो भी कुछ है वो अपने ब्लड लाइन के मेंबर की वजह से है, उसको तो मैं 3 बार मैं रेसल किया हूँ, मैं टॉप लेवल पर रेसलिंग की और मैं इसको हरा दिया था, लेकिन ब्लड लाइन के मेंबर आके उसे चाहे। अगर रोमन रिंग्स को हराना है तो सबसे पहले ब्लड लाइन के मेंबर को तोड़ना होगा, ठुकाई करना होगा। और वो बुलाते हैं उतने में अपने ब्रॉलिंग बूट्स आते हैं, सील्ड स्टाइल में आते हैं और सील्ड को ट्रिब्यूट दे रहे थे अपने सेमस और रिज होलैंड और पूछ और ड्रू मैकेंटायर। और गायु पूरी तरीके से सील्ड की तरह आते हैं और रिंग में आते हैं और आपस में बातें करते रहते हैं। यहाँ पे ड्रू मैकेंटायर काफ़ी ज़्यादा प्रेस होते हैं अपने सेमस और बाकी सुपरस्टार से। और भाई लोग यहाँ पे क्या होता है कि तभी वहाँ पे उन लोग कन्फ्रंटेशन देने के लिए आ जाते हैं जजमेंट डे, और जजमेंट डे आके अटैक कर देते हैं अपने सेमस के ऊपर और ड्रू मैकेंटायर के ऊपर। लेकिन होता क्या है, भाई लोग उल्टा उन्हीं के ऊपर पड़ जाता है और यहाँ पे मैच हो जाता है सेमस वर्सेज रिजी होलैंड का। और ये मैच काफ़ी अच्छा मैच जाता है, और मैच में क्या होता है कि इस मैच में अपने ड्रू मैकेंटायर ने हेल्प की, इससे जीत जाते हैं अपने सेमस। लेकिन क्या होता है, तब भी अटैक जारी रखते हैं अपने जजमेंट डे के, लेकिन तभी ओसी आ जाते हैं भसड़ मचती है और दोनों साइड से पिट जाते हैं अपने जजमेंट डे के मेंबर। क्या होता है कि इधर से भी पिटते रोलिंग वुड ड्रू मैकेंटायर केविन ओवंस के साइड से और ओसी के साइड से भी पिटते हैं, जहाँ पे अपने ये स्टाइल और गैलोज एडरसन लोग रहते हैं। तो भाई लोग इस तरीके से आज ठुकाई हुई है अपने जजमेंट डे की, और जजमेंट डे को जबरदस्त ठुकाई जारी रखी है अपने सुपरस्टार ड्रू मैकेंटायर केविन ओवंस सेमस एजे स्टाइल और उनके चेला चापड़ी। तो भाई लोग ये अपडेट थी अपने जजमेंट डे और अपने ड्रू मैकेंटायर केविन ओवंस सेमस के बारे में जे स्टाइल। और बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में, जो कि जुड़ी अपने वुमेंस डिवीजन की, जो कि वेली डैमेज कंट्रोल का जो होने वाला है वार गेम्स में मैच, वहां पे उनकी पार्टनर है अपनी रिया रिपली और निक्की क्रॉस। भाई लोग उनका मैच होता है यहाँ पे अपनी बियांका ब्लेयर और अपनी आसुका और ऐसा भी जाते हैं, उनकी जो फोर्थ मेंबर होती है मिया एम होती, लेकिन फिफ्थ मेंबर का ही पता नहीं चला है। और दोनों वुमेंस रेसलर के बीच में टीम के मैच में भसड़ होती है। मैच था गाइज इसलिए कि यहाँ पे जो जीतेगा उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी सर्वाइवर सीरीज के वार गेम्स मैच में। होता क्या है, यहाँ पे अपनी बेली की फैक्शन जीत जाती है, अपनी जो रिया रिपली है जिनको ब्रूटलिटी ऑफ द क्यून कहा जाता है, उन्होंने जबरदस्त तरीके से अटैक किया और इसी का फायदा उठा के अपनी डैमेज कंट्रोल इस मैच को जीत जाती है, और डैमेज कंट्रोल के पास अपर हैंड है। और बात करते हैं अपनी मेन खबर जो कि जुड़ी अपने सेट रोलिंस के बारे में। भाई लोग सेट रोलिंस का आज एक इंटरव्यू होता है बैक स्टेज में, सेट रोलिंस अपने घर से ही बाया सैटेलाइट इंटरव्यू दे रहे थे, क्योंकि सैटेलाइट का ही पूरा प्रोग्राम दिख रहा था। और फिर सेट रोलिंस बोलते हैं बॉबी लेसली आजकल बहुत ही तूफान मचा रहा है, अब मैं उसको टक्कर तो दे दूंगा लेकिन वो क्या करेगा, मुझे हरा देगा ये मैं नहीं जानता। और ऑस्टिन थ्योरी भी बहुत ज़्यादा आजकल चौड़ाई कर रहा है, वो मुझसे जिस काम में मैं माहिर हूँ माइंड गेम उसी में आके मेरे को हराना चाहता था, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े रेसलर आए और नहीं हरा पाए। तो ऑस्टिन थ्योरी किस खेत का मूली है, और ऑस्टिन थ्योरी को मैं जबरदस्त तरीके से धोबी पछाड़ ठुकाई कर दिया हूँ और आगे भी करूँगा। इस तरीके से अपने सेट रोलिंस वार्निंग दे रहे थे अपने बॉबी लेसली और ऑस्टिन थ्योरी को, और सेट रोलिंस बोल रहे थे उसने मेरे यूएस चैंपियनशिप में आंख गाड़ी है ऑस्टिन थ्योरी को बोल रहे थे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा और मैंने मनी इन द बैंक उसका फैल कर दिया कैसिन, और कोई भी आ जाएगा मैं सभी मनी इन द बैंक कैसिन फैल कर दूंगा। तो भाई लोग ये अपडेट है अपने आज के मंडे नाइट रॉ के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।